will move forward toward the government of Gilgit-Baltistan. We can share our idea to the high concerns of Gilgit-Baltistan government. Though they replied us very positively. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Assalamu alaikum. Hi everyone. Welcome back to you all. In today's show, our honorable guest is very energetic, young, and very motivated and determined. Social personality, by profession, an engineer, and he is a well-known motivational speaker throughout the country. We are going to discuss some special matters with our honorable guest, Engineer Ashiq Hussain. So let's start. Engineer Ashiq Hussain, welcome करते हैं हमको हमारे शो में. बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And you too, you called me as a guest in this session. Thank you very much. जी आशिक, आप हमें बताइए ये आइडिया आपको कहाँ से मिला, जो आप इतने सोशल हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आप स्टूडेंट फेडरेशंस में काम करते रहे हैं, काउंसलिंग का और सेमिनार्स वगैरह अरेंज करते हैं, आपको क्या सीखने को मिला और इससे जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको क्या फायदा मिलता है? First of all, thank you very much, brother Abid Hussain. You called me as a guest to share my ideas regarding my experience, what I have achieved or what I will be in future, and what I am at the present stage. बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले यही है कि मेरे जो स्कूलिंग हो गया है वो एक गवर्नमेंट हाई स्कूल सिकंदराबाद नगर से, और सेकंड उसी में ही मैंने प्राइमरी स्कूल, फिर प्राइवेट स्कूल अली मॉडल के नाम से, उससे मेरी स्कूलिंग हो गई. देन आई मूव फॉरवर्ड टुवर्ड विजन हायर सेकेंडरी स्कूल. देन फॉर इंटरमीडिएट आई मूव टू पब्लिक कॉलेज. आफ्टर इंटरमीडिएट आई गॉट एडमिशन अगेंस्ट रिजर्व सीट फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान टू प्रोसीड माय हाई लेवल एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी. तो इसी तरह मुख्तसर, नाउ आई ग्रेजुएट एज इंडस्ट्रियल इंजीनियर फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी. तो आपका सवाल है कि स्टूडेंट फेडरेशंस के अंदर द इम्पोर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टूडेंट इन द फेडरेशंस. तो यह आपका बेसिक सवाल है. एज अ बैकवर्ड एरिया स्टूडेंट, दिस फेडरेशन, दीज प्लेटफॉर्म, आशिक हुसैन, ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान must be participate, must be insert themselves in such a line of streams, such line of we can say organizations. This can boost up the level of confidence, this can boost up the level of capability of speaking, sharing ideas to each others, to others. जब तक आप अपने नजरियों को सामने वाले के सामने शेयर न कर सकेंगे, अपने कलम को, अपने जो सोच को टेबल पे नहीं रख सकेंगे, उस वक्त तक ना ही आप कौम को आगे बढ़ा सकते हैं, ना ही आप अपनी उस काबिलियत को निखार सकते हैं. तो मेरा ही सोच था कि नहीं यार, बंदा अगर एक किताब से पढ़ के अपने अंदर का जो नॉलेज का जो जखीरा है वो बढ़ा सकता है, बढ़ाने के बाद इफ़ यू कांट शेयर दीज आइडियाज इन टर्म्स ऑफ योर वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ योर व्हाट वी कैन से आइडियाज, तो यू कांट प्रोसीड इन योर लाइफ, यू कैन गेट योर एम्बिशन. तो फिर देन आई मूव माई डायरेक्शन टुवर्ड द प्लेटफॉर्म्स. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कम्युनिटी बेस पे और साथ साथ इस्लामिक इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहा, और भी ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल जो हमारे यूनिवर्सिटी चैप्टर्स होते थे डिपार्टमेंटल, उसमें पार्टिसिपेट रहा. तो दिस हैव गिव मी एक्चुअली गुड एक्सपीरियंस. आबिद भाई, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. आशिक साहब जी, बिल्कुल आपको तो हम जानते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं हमने कहा उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाए, माशाल्लाह आप बड़े इनर्जेटिक हैं. थैंक यू वेरी मच. अच्छा आइडिया दिया है कि अपना एक्सपीरियंस, अपने आइडियाज़ को हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो क्रिएटिविटी आएगी उसमें. बिल्कुल जी, हम
बिल्कुल अच्छा आइडिया है। तो अच्छा, काउंसलिंग के हवाले से किस तरह के सेमिनार और मोटिवेशनल सेमिनार आप अरेंज करते हैं, और कहाँ कहाँ पे आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और अभी तक किन टॉपिक्स पे और किन एरियाज में, किन इदारों में आप लोग कंडक्ट करते रहते हैं? क्या आप खुद भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं? जी आबिद भाई, एक अच्छा सवाल है कि कैरियर काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग उस इलाके में की जाती है जहाँ पे, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे जो एजुकेशन जो रेशो है या जो इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वो नहीं है, बल्कि वो रास्ते दिखाने हैं, वो डायरेक्शंस देने हैं कि यू कैन फॉलो दीज डायरेक्शन, यू कैन अचीव योर एम्बिशन। दैट्स एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड बिटवीन द काउंसलिंग। तो जो मसाइल मैंने फेस कर लिए आफ्टर इंटरमीडिएट, आपको तो पता है हम गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और विद द लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ वी कैन से एजुकेशनल और इंस्टीट्यूट्स एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। तो मैंने ये सोच या एहद कर लिया कि भाई मैं तो जिस तरह भी या किसी भी तरह भी मकसद तक पहुंच चुका हूं, या उस मकसद को एम्बिशन को मैंने हासिल कर लिया है, लेकिन दरबदर होके डिफरेंट डायरेक्शन से होते हुए, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर एक स्टूडेंट एफएससी कर लेता है तो उसको बहुत सारे डायमेंशनल डिफरेंट काइंड के इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं इमामी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आया, हमने डिफरेंट तरह के डायमेंशनल और डायरेक्शन हमने सेमिनार्स करवा लिए। फिर तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर से मैं बाहर निकल के कम्युनिटी, जो हमारा नगर स्टूडेंट फेडरेशन है, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट रहा, इसके बाद मैं अभी जो रिसेंटली मैं स्कॉलरशिप इंचार्ज हूँ, उसमें हम डिफरेंट स्पीकर्स को बुला लेते हैं, और स्पीकर्स के अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ स्टूडेंट्स को इस चीज़ से आगाह कर लेते हैं कि आफ्टर इंटरमीडिएट what will be the chances you will be achieved it, या what are the most probable chances you can achieve it। तो ये वो directions हैं जो हम seminars के through करवा लेते हैं, और साथ साथ जब हम छुट्टियों से यहाँ से गिलगित different किस्म के हम जो है motivation, it doesn't mean कि आप just seminars ही करवाएं, आप किसी को चीज़ तोहफा देते हैं उसके position लाने पे, या prize distribution का seminars रख रहे होते हैं, तो ये different किस्म के हम programs करवा लेते हैं, जिससे जो है अंदर का जो motivation है कुछ कर दिखाने की जो ताकत है वो स्टूडेंट की बच जाए। जी, कुछ स्टूडेंट भी होते हैं जो भी हिम्मत हार कर करके, तो यकीनन इस तरह के स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल जी, जो सेमिनार कंडक्ट करता है, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, का जो फायदा है वो जो सीखते हैं अलग ही बात है। जी, वन थिंग आई वांट टू मेंशन आदित भाई, थ्रू your this platform, I am sorry for interruption. तो गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा जो है ना, they are just back down from their ambition, they are just direction, quickly change their we can say goals. तो वो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होता कि when I jump into the ground, I will try my best, I will achieve it. इसलिए कहते हैं ना, don't be afraid from competition, just try to jump into the ground, Allah Almighty is on the sky, you will achieve it. तो यही सोच होती है कि इंसान को मुकाबले में जाना चाहिए। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स आपके थ्रू यही मशवरा देना चाहूँगा कि मुकाबले में कभी भी पीछे ना आटे, मुकाबला करता रहें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप अपने मंजिल में ज़रूर पहुँच जाएंगे। यानी नेवर गिव अप करना चाहिए, फोकस रखना चाहिए, यस तर्क नहीं करना चाहिए। जी जी, जैसे इंसान जिस चीज़ पे फोकस रखे, ज़ाहिर है स्ट्रगल करेगा तो वो चीज़ उसको मिल जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी इरशाद फरमाया है, भले सलील इंसान इल्ला हर इंसान को डिटरमिन होके डेफिनेशन के साथ। जी, हम खुद देख रहे हैं माशरे में, सोसाइटी में, जिन्होंने जिस टारगेट को फोकस करके
स्ट्रगल किया था, आज वो उस जगह पे पहुंचे हैं, बल्कि उससे ऊपर पहुंच चुके हैं। तो जी हमारे सोसाइटी में जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपको पता है प्रिपरेशन करते थे, बहुत सारे लोग अभी माशाल्लाह से वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वो सीट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो उनसे भी हमें सबक लेना चाहिए। तो अब हम आते हैं सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ। तो ये जो हमने डिस्कस किया, ये मोटिवेशनल सेमिनार्स और करियर वाले से बात की, अब हम पूरे कम्युनिटी लेवल पे जो आपने सोशल एक्टिविटीज़ की हैं उस तरफ आते हैं। किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप लोग इन्वॉल्व हैं कम्युनिटी लेवल पे? तो रिसेंटली हमने देखा कि आप लोगों ने कराची से बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया, लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद थी, यहाँ पर लोग रोज़गार कमा नहीं सकते थे और कराची में फंसे हुए थे। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन की जीबी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट से, एनओसी इशू करवा के जी हज़ारों लोगों को यहाँ से आपने ये कि ट्रांसपोर्टेशन कर दिया है, तो ये बड़ी बात है, हम आपको सलूट मैच करते हैं इस काम के लिए। अभित भाई, सबसे पहले यही है कि इंडिविजुअल पर्सन इज नथिंग, एक आशिक हुसैन या एक आबिद हुसैन कुछ नहीं कर सकता। दिस इज एक्चुअली द टीम वर्क ऑफ नेगर स्टूडेंट फेडरेशन टीम। वी एज अ टीम हमने यही सोचा कि जब जो कोविड 19 जो नोवल जो वबा फैल चुके थे कराची के अंदर, तो हमने यही सोचा कि वो तलबा तालिबात जो कि गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान से आके इतने दूर दराज इलाकों से आके यहाँ पे अपने स्टडीज़ को आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं, उनका क्या कर लिया जाए। तो हमारे एक मीटिंग हो पाकिस्तान के कैबिनेट के, और उस वक्त मज़े के बाद जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे साजिद हुसैन, वो बैंकॉक में थे, बाहर थे। तो हमने जो वाइस प्रेसिडेंट को एक सरबरा और लीडर बना के, क्योंकि आप टीम के अंदर आपका लीडर स्ट्रॉन्ग हो ना तो फिर काम आसानी से हो जाता है। तो हमने मीटिंग कर लिया गिलगित बल्तिस्तान के डिफरेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कि व्हाट वी विल डू, हम क्या करें इसमें और हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वी कैन शेयर अवर आइडिया टू द हाई कंसर्न्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट। तो दे रिप्लाइड अस वेरी पॉजिटिवली, दे रिप्लाइड अस यस you can do it, behind you people we are here, we hand by hand and side by side we can help you guys। तो हमें एक अच्छा साइन मिला, अच्छा साइन मिलने के बाद हमने ये कहा कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज हर स्टूडेंट फेडरेशन जो है अपने जिम्मेदारियां निभाए। तो हमारे हिस्से में हुंजा नगर आया, अल्हम्दुलिल्लाह नगर स्टूडेंट फेडरेशन जस्ट सेट द प्रायोरिटीज of our nagar those people, those students specially nagar। to humne uska sabse pehle data collect kiya, data collect karne ke baad fir high concerns of the karachi yani jaisa ki usme deputy commissioner hai, jisme home secretary hai, jisme assistant commissioner hai, unke samne humne apna mudda bayan kiya ki bhai these are the quantity, these are the actual the numbers of the students who are stuck due to covid 19 in karachi and the different sectors across the karachi, so you try to find out the solution। to usne ye kaha okay, first we will conduct what the test of the COVID-19, then we will finalize the decision what will be the possible or we can okay। humne kaha okay, fir humne इस मसले को आप एतबार कर ले, नगर स्टूडेंट फेडरेशन ने फाइनेंशियली अपने जेब से पैसे लगा के हमने टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद एज ए टीम हमने ये फाइनल किया कि हम होम सेक्रेटरी से इसका एनओसी लेंगे। एनओसी लेने के बाद हमने जितने भी स्टूडेंट्स थे, मोस्ट प्रोबेबली वी ट्राइड अवर बेस्ट एंड वी रेस्क्यू द स्टूडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान फ्रॉम कराची। दिस इज एक्चुअली दिस of all team, this actually success of Nagar Student Federation। तो इसमें हम फख्र कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट हमने कम्युनिटी के लिए ये कर दिखाया कि मसाइल के अंदर भी we are actually the backbone of Nagar, we are actually backbone of Hunza, we are actually backbone of all Gilgit Baltistan। Yes, great, जबरदस्त। ये सोशल मीडिया पे भी जो कमेटी थी,
इनका जो काम था ये वाकई मशहूर हो चुका था सोशल मीडिया पे भी उन दिनों में। तो जी वेरी मच, आप लोगों ने बहुत सारे से गिलगित पहुंचाने में मदद की और बहुत ही कोविड के खतरनाक दिनों में आप घरों से बाहर निकल गए। एक्चुअली अभित भाई, दिस दैट वाज नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी। हेलो, आर यू लिसनिंग मी अभित भाई? जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज़। तो दैट वाज नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी अभित भाई, दैट वाज आवर ऑब्लिगेशन, या हमारे ऊपर एक फर्ज बन चुकी थी कि हम इसको कर दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने भी इसमें हमें मदद फरमाई तो हम कर दिखाएं। उसके अलावा और क्या ड्यूटीज हैं? एक मिसाल थी, तो पिछले साल आप लोगों ने गुलमत के मकाम पे मेरे ख्याल से जी बड़ा इवेंट का इनका किया था, उस बारे में हमें बताएं जरा कि उससे स्टूडेंट्स का कितना फायदा हुआ और उसमें किस तरह के इवेंट्स का इनका किया था और ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स जी आबिद भाई, पिछले बार जो थे हमारे कैबिनेट जो है वो दूसरे कैबिनेट थे, वो के तहसीन अब्बास जंगी की सरबराई में थी, जो कि ही वॉज ऑल्सो तो अवर सीनियर एट यूनिवर्सिटी, और साथ साथ ये भी है कि वो भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर ही था। तो पिछले बार जब हम यहाँ से गिलगित गए तो दिलर्निंग एकेडमी जो कि हेल्प कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं कुरबान अली खुशहाल, तो उसके सरबराही में हमने उससे आइडिया लेके हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया, जिसमें हमने ये फैसला किया शेन बर्स से लेके ही स्पर तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम गैदर कर लें। हमारा मकसद ये था कि द रीज़न बिहाइंड द फैक्ट, द रीज़न बिहाइंड द प्रोग्राम वाज दैट कि एटलीस्ट इस शॉर्ट पीरियड में कुछ ना कर सकें, एटलीस्ट हम स्टूडेंट्स को गैदर तो कर सकें, क्योंकि जब दो स्टूडेंट आपस में मिल जाते हैं, व्हेन दे आर स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर, शेयर प्लानिंग, तो ये एक सक्सेस है। जब आप प्रोग्राम में जाते हैं, अगर आपको कुछ नहीं मिलता हो, आप अगर वहाँ पे दूसरे से मिल भी लेते हैं ना, दिस एक्चुअली दिस सक्सेस, दे एक्चुअली वर्क यू अचीव योर गोल। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनबर से लेके जो हिस पर नगर तक के तमाम स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट दे के हमने गैदर कर लिया, उसमें डिफरेंट सेमिनार्स डिफरेंट, हाँ उस प्रोग्राम के अंदर हमारा एक ही प्रोग्राम बचा था, वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जो इस कैबिनेट में हमने ये फैसला कर लिया, जिस जो कि हमसे पिछली बार टाइम की किल्लत और कमी की वजह से नहीं हो सका था, इस बार हो रहा है और अभी उसी पे काम चल रहा, जो कि हमारे कैबिनेट के जो प्रधान है वो नगर में मौजूद है और वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अभी होगा। पिछली बार हमने स्पोर्ट्स का कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स में बेहतरीन हमारे जो टैलेंट जो है सामने आया, जो कि आई वॉज ऑल्सो अमेज्ड कि मैंने खुद देख लिया कि कितने बेहतरीन कॉम्पिटिशन्स रहे वहाँ पर, और साथ साथ हमने जितने भी प्रोग्राम थे हमने करियर काउंसलिंग करवाया, जिसमें से उसी वक्त जो उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो भी आए थे, उसने भी कहा सोविज़म के फर्स्ट टाइम नगर लेवल से स्टूडेंट फेडरेशन आगे आके जो कि ऐसे प्रोग्राम मुनद करवाए हैं, तो लर्निंग एकेडमी के सपोर्ट की वजह से हमने प्रोग्राम कामयाब बनाया। लेकिन उसमें फिर भी यही कहूँगा कि एक जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था जो हमसे नहीं हो सका, तो इस कैबिनेट में इस साल इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे। आप अभी भी देखिए जो कम्युनिटी पे जो उसका हिस्सा है जी जी जी, तो पिछले बार में वाइस प्रेसिडेंट था, इस बार में स्कॉलरशिप इंचार्ज, अवेयरनेस एंड स्कॉलरशिप इंचार्ज। अच्छा, स्पोर्ट्स जी नो ठीक है, तो इस अवेयरनेस से हमें बताएं जरा कि आप कहां से हैंड करते हैं और किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, क्या सोर्सेज हैं स्कॉलरशिप के हवाले से? यही है कि नगर स्टूडेंट फेडरेशन जिस
काफ़ी मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स से। तो हमारे पास सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह यही कहना चाहूँगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स को जिस चीज़ का सबसे पहले मसाइल है ना, वो रिहाइश है कराची के अंदर। इस चीज़ से आप भी बखूबी आगाह हैं, अपना अपने स्टूडेंट लाइफ भी यहाँ पर गुजारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास एक हॉस्टल है, नागन हॉस्टल नगर स्टूडेंट फेडरेशन के अपने ही हिस्से में। तो हम सबसे पहले मेरिट बेस पे जो फर्स्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको नागन हॉस्टल में उनको रिहाइश देते हैं। हाँ, अगर वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हम उनको दे देते हैं जिनका, फॉर एग्जांपल अब गिलगित से स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे, उसकी एडमिशन हो चुकी है मेरिट बेस पर अच्छे मार्क्स से, अच्छे ग्रेड से। अगर उसको एडमिशन के लिए ज़रूरत है तो नगर स्टूडेंट फेडरेशन के पास भी इतना अमाउंट नहीं होता, हम साहिब इस्तेदार लोगों के पास जाते हैं। हम एज ए स्टूडेंट फेडरेशन हम अपना आपको प्रेजेंट करके उसके मसाइल हल कर लेते हैं। तो अभी ये आप लोगों का प्लान है या प्रैक्टिकली आप लोग इसके ऊपर काम कर चुके हैं स्कॉलरशिप? अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं, क्योंकि नगर स्टूडेंट फेडरेशन रीबिल्ड हो चुका है। तो इसमें जितने हमारे पास हमारे अपने सरकमस्टेंसेस या हमारे अपने जो जितने भी उनको पूरा होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल हमारा नगर स्टूडेंट फेडरेशन नागन हॉस्टल इस वक्त कंस्ट्रक्शन में, उसको हम बना रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, इन तमाम मसाइल को हल करने के बाद फिर भी हमने कुछ परसेंट रखा हुआ है जिसमें अगर हमने 3-4 स्टूडेंट या 1-2 को भी देना हो हम दे ले। So, जी, you are the part of industrial institute of system engineers. System engineers. It is the international students. And जी. Purpose of that chapter and what is international students? Chapter in your university level, please define it and elaborate with our and share with us your experience. Okay. I'm telling to you. आबिद भाई, मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल किया हमने गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी स्टूडेंट फेडरेशंस थे उनके साथ मिलके। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो स्टूडेंट फेडरेशन मैं वही जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट फेडरेशंस का आपस में कनेक्शन होता है, आपस में कनेक्शन होता है। तो IISE इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग व्हिच इज वन ऑफ द रजिस्टर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट चैप्टर, तो व्हिच वाज आई वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ दिस स्टूडेंट फेडरेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो हमारा यही पर्पस था कि वी विल Yes. I was also defined. Universities भी शामिल हैं वहाँ के students. जी सब में, सब में हमने यूनिवर्सिटी में हमने इनिशिएटिव ले लिया था। एक्चुअली दिस इज वी कैन से रन फ्रॉम द अमेरिका और इसका सेकंड जॉर्डन में और जॉर्डन के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में है, इनसे रब्ता करके इस स्टूडेंट चैप्टर को इनिशिएटिव ले लेता है। कम्युनिटी के स्टूडेंट्स या और आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लिया आपने इस इंटरनेशनल? नहीं, हमने सबसे पहले इसको यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के कोलैबोरेशन से किया हुआ था। इसके बाद डिफरेंट पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज ने कर लिया, NAD ने कर लिया, इसमें मेहरान यूनिवर्सिटी ने कर लिया, पेशावर यूनिवर्सिटी ने, UET पेशावर ने कर लिया। तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रन हुआ करता है वहाँ पे ये सिस्टम इंजीनियरिंग का चैप्टर मौजूद होता है। अब इसका मकसद क्या है मैं ये बताना चाहूँगा। देखो यस, तो बेसिकली द पर्पस ऑफ द चैप्टर डिपार्टमेंटल वाइज चैप्टर इज दैट कि यू बूस्ट ऑफ द लेवल ऑफ रिसर्च स्टूडेंट्स। हमारा मकसद यही था कि जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आ रहा होता है सबसे पहले दे नो अबाउट दे व्हाट डज द रिसर्च मींस, द टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च। तो हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करके, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करके हमने ऐसे सेमिनार्स करवाए उस यूनिवर्सिटी के उन चैप्टर के थ्रू, हमारे अपने स्टूडेंट
स्टूडेंट्स का अपने रिसर्च माइंड सेट है वो बिल्डअप हो जाए, और रिसर्च माइंड सेट जब बिल्डअप हो जाए तो हमें स्कॉलरशिप्स उस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड कर रहे होते थे, जिसके थ्रू हमारे स्टूडेंट इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बाहर जाके अपने रिसर्च को डिलीवर कर सके, अपना आइडिया को डिलीवर कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 स्टूडेंट भी गए, लेकिन मकसद यही था कि इसमें फ़ायदा यही हो गया कि ईच एंड एवरी वन गेट द आइडिया ऑफ रिसर्च फ्रॉम टेट प्लेटफॉर्म्स। So you are the one of founder of International Forum? Yes, departmental chapter. This concern to the Industrial Engineering Department. Okay, that's great. ये बहुत बड़ी बात है, इस तरह का आइडिया आपने दिया, इस तरह का इंटरनेशनल लेवल पे फॉरम बनाया, जिससे एक इंफेक्शन जाहिर है शुरू हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आपस में, और जो अपॉर्चुनिटी है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आशिक साहब, आपने थैंक यू वेरी मच यू टू हमें अपनी जो स्टूडेंट्स हैं और अच्छे आइडियाज से हमारे साथ आइडियाज शेयर किए आपने। तो मोटिवेशनल जो स्पीच होती है या मोटिवेशनल जो आप सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, उस हवाले से हमें बताएं ज़रा कि उसमें आप लोग करते क्या हैं, या किस तरह के लोगों को आप नीचे से ऊपर, ये कि उनको ग्रो करने के लिए और आप लोग इंकरेज करना चाहते हैं माशरे के या अदारे के, तो किस तरह के ऐसे लोगों के प्रॉब्लम का फोकस होता है कि उनको आप मोटिवेट करें, किस लेवल तक मोटिवेट आप लोग कर सकते हैं अपनी स्पीचेस के जरिए से और सेमिनार्स के जरिए से? जी, वर्ड्स आर नथिंग विदाउट एक्शन, यू नो आदित भाई, तो एक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी मोटिवेट समवन, टू इंसिट समवन, टू पुट समवन इनटू दिस ट्रेड। तो सबसे पहले मोटिवेशन, या मेरे जहन में जो काउंसलिंग का वर्ड आता है ना, वो आता है हमारे पास जो रिजर्व सीट से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। जब मैं सोचता हूँ ना अमित भाई, मुझे इस नतीजे पे पहुँचना पड़ता है कि पूरे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी से गिलगित बल्तिस्तान को इस वक्त 2016 की बात है, उस वक्त 54 सीटें, कितने 54 सीट्स आर डेडिकेटेड टू दी ओनली वन ऑफ द रीजन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान हु हैव बीन देयर, हु हैविंग द लिटरेसी रेट ऑफ 99.9%। 54 सीट्स इंजीनियरिंग के और 84-85 सीट्स पूरे पाकिस्तान से MBBS के लिए दिए जाते हैं, और वहाँ पे 4-5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मेरे जहन में ये आया कि नहीं यार, अब एक इलाके में इतने कंपटीशन हो, एक इलाके में इतना रुझान हो तालीम का, वहाँ पे ये सीट्स बहुत कम है। सीट्स पर अगर एक बंदा 4-5 लाख बंदे, अगर 54 सीट के लिए 4-5 लाख बंदे 86 सीट के लिए कूद जाए मैदान में, तो 86 बंदे मिल सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, इसको ज़हनियत बनानी चाहिए कि अकबाल कहते हैं ना, आसमान की तरफ देख के ये मत सोचा करें कि ऊपर आसमान में ही सितारे, सात आसमानों में और भी है। मैंने यही कहा कि नहीं, इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टूडेंट्स को इस डायरेक्शन में यही नहीं लगाना चाहिए कि इनके पास यही 86 और 54 सीट्स हैं। देर आर सो मैनी डायरेक्शन यू कैन मूव टूवर्ड CA, you can move towards other we can say fields, आप आर्ट्स के फील्ड्स में जा सकते हैं। तो सेकंड वन यही है कि हम कैरियर काउंसलिंग कैसे करते हैं, ये एक हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं बैकवर्ड एरियाज के अंदर कि आप कुछ और भी कर सकते हैं इसके अलावा। और सबसे पहले यही है कि आइडिया जनरेशन, आप किसी भी कौम के अंदर या किसी भी ग्रो के अंदर अगर आप कहते हैं ना कि काउंसलिंग कर ले, काउंसलिंग करने के लिए सबसे पहले आइडिया जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल आई एम मोटिवेटिंग स्पीकर, इफ़ आई कॉल फॉर मोर देन 10-15 स्टूडेंट्स टू बी मोटिवेट देम, तो मैं सबसे पहले उनसे यही कहूँगा या उनसे यही कहता हूँ अमूमन जब मैं भी कोई स्कूल में जाता हूँ, तो फर्स्ट अस्सलाम वालेकुम, हाय, देन क्विकली मैं ही सोचता हूँ कि किसके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, इस किसके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। हर बंदा अपना आइडिया दे रहा होता है, हर बंदा अपना आइडिया दे रहा होता है। तो आइडिया जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना,
कौमें जज उसी वक्त करते हैं एक दूसरों को जब उसका आइडिया जनरेशन क्या है। आज पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स का या आज पाकिस्तान के अंदर जनरेशन का टीनेजर्स का इस लॉकडाउन के अंदर क्या है, पबजी। दिस इज आइडिया लेवल। बाहर मुल्क में जाएं तो सर्चिंग स्कॉलरशिप्स, creating new things, innovating new things, creating research. So this is work the mentality level. So motivation ka maksad yahi hota hai ki you try to change the mentality of that nation, you try to change the mentality of the group of students to insert those guys into to do something better for themselves as well as others. To hamara motivation ka maksad yahi hota hai ki unko us dhandal se nikal de jo ki अपने अंदर वो छुपा के रखे हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम यही बार बार मोटिवेशन स्पीकर यही कहता है, नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा नेशन को, स्टूडेंट्स को, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो यही सोच होनी चाहिए, हम कुछ कर दिखा सकते हैं। आदित्य भाई, यही मकसद होता है हमारा मोटिवेशन का। बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल। जो हिम्मत हार जाते हैं वो जाहिर है वो तो फेल हो जाते हैं, जिनमें कंसिस्टेंसी होती है वो मंजिल पा जाते हैं। तो एक बात और ऐड कर लूँ यहाँ पे मोटिवेशन के अंदर, जब 9/11 हो गया था, 9/11 का वाक्या हो गया था अभित भाई, तो 9/11 दुनिया के खतरनाक वाक्यों में से कहा जाता है ना, क्योंकि कहते हैं ना 9/11 के बाद दुनिया ने अपने नक्शे ही बदल लिया है, डायरेक्शन चेंज कर लिया, 9/11 से पहले डायरेक्शन कुछ और था। तो जब भी कोई जहाज क्रैश होती है ना, तो आपको पता होगा उस चीज़ का तो मेरे जहन में एग्जैक्ट नहीं है, उसके अंदर एक ऐसा सेंसर होता है जो कि आवाज़ें कैप्चर कर लेती है जो कुछ हुआ होता है। तो जब 9/11 के वो जहाज, जब बिल्डिंग को 9/11 के उनको जो है उन जो भी है बिल्डिंग के अंदर क्रॉस कर चुके थे, तो 9 उस वक्त वो बिल्डिंग यूं लरज रही थी, निचला वाला हिस्सा, तो सब लोग ये सोच रहे थे कि अभी बिल्डिंग गिरेंगे। तो उस वक्त वहाँ से कुछ सेंसर्स में से कुछ आवाज़ें कैप्चर करके आज भी एक म्यूज़ियम में रखा गया है, जो कि मैंने भी सुना हुआ है। और दूसरी बात कि वो मैंने सुना का मतलब है, किसी से मैंने सुना हुआ है कि उसमें ये लिखा हुआ था टोटली, उसके अंदर उन आवाज़ों में क्या थी, एक महरूमियत, काश अगम ये कर लेते, काश अगर ये होता, काश अगर ये होता। तो इंसान जब गुजार लेता है ना, महरूमियत ही रह जाती है इंसान के अंदर, पछतावा ही रह जाता है। इसलिए इंसान को अपने हाथ से वक्त नहीं गुजरने देना चाहिए। तो वक्त का होते हुए इसी वक्त के अंदर, इसी स्टेज के अंदर इंसान को अपने मंजिल की तरफ रवा दवा है, तो उस मकसद को हासिल कर लेना चाहिए, तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच इंजीनियर राशिद हुसैन, आपने हमें टाइम दिया, तो आपने बहुत ही वैल्यूएबल आइडियाज और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। तो जी इंशाल्लाह आपको अगले शोज में भी इनवाइट करते रहेंगे, आपसे भरपूर हम लोग ये की फायदा उठाएंगे आपके एक्सपीरियंस से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच आदित्य भाई। तो हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं, तो व्यूअर्स इंशाल्लाह अगले शो में आपकी मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है राशिद साहब, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।